अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अच्छे अच्छे ऐसे डिज़ाइन करने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम जानेंगे कि ऐसे ऐसे डिज़ाइन कैसे करें। अभी मैं एकन्स पर ही हूँ, एकन्स का काम बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है, तो जो जिसने पिछली वीडियोस नहीं देखी वो देख लें, क्योंकि जब तक आपको पिक्सल लैब के आइकन्स का पता नहीं होगा तब तक आप ये काम नहीं कर सकेंगे। पहले मेरी पहले वाली वीडियोस देखिए, ये भी मुकम्मल तौर पर देखिए, इंशाल्लाह बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इस वीडियो और अगली वीडियो के बाद हमारा एकन्स का काम ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर हम डिज़ाइनिंग की तरफ आएंगे और जानेंगे कि कैसे कैसे अच्छे अच्छे डिज़ाइन किए जाते हैं, और स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री फिज़िक्स वगैरह इनको कैसे फ़ायदा होगा, ये सब हम अच्छे तरह से जानेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर ड्रा करना वगैरह वगैरह ये सब उनका काम है। इस अगर आप अच्छे से स्ट्रक्चर ड्रा नहीं करेंगे और अच्छे अच्छे कलर नहीं देंगे तो इससे आपका पेपर शाय नहीं होगा। पेपर राय भी इसी वजह से जाते हैं, और भी वजूहत हैं, लेकिन मेन वजह यही होती है कि अच्छे अच्छे कलर नहीं दिए जाते और अच्छे से उनको ड्रा नहीं किया जाता। सो चलते हैं पिक्सल लैब की तरफ और आज का देखते हैं क्या सीखने को मिलता है। पिक्सल लैब ये है मेरा जी जनाब, इसको कैंसिल कर दें और ये जो लिखा है इसको डिलीट कर दें, क्योंकि हमें लिखने का काम आज करना नहीं है। सो ये पहले हमने इसके बारे में भी जाना था, और इसके साथ ए वाला ये वाला ऑप्शन भी जाना था, ये वाला भी जान लिया था। आज हम इसके बारे में जानते हैं, ये जो दो डब्बे मैं इसको इंडिकेट ये वाला, इसके बारे में अब मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पहले कलर आ गया, कलर का ऑप्शन ये देखें, ये कलर है, कलर पर आप क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड का जो कलर रखना चाहें, ये डबल कलर भी रख सकते हैं, अगर सिंगल रखना चाहें तो इसके करीब ये देखें कलर लिखा हुआ है सिंपल, इस कलर को क्लिक करें, रेड इधर आ गया निशान। अब ये सिंगल कलर आप अगर रखना चाहें तो इसकी मदद से रखें, ये देखें मुख्तलिफ कलर्स हैं। आगे हम देखते हैं, अगर बिल्कुल बैकग्राउंड रखना ही नहीं चाहते तो ये इस ऑप्शन पर क्लिक करें, ये ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड बिल्कुल ख़त्म हो गया। और फिर से अगर कोई अपनी मर्ज़ी का करना चाहे तो ये देखें, ये हो गया। अब जानते हैं जी इसको रिसाइज कैसे करें, मतलब हम चाहते हैं कि ये बैकग्राउंड थोड़ा बड़ा हो या छोटा हो, तो इसके लिए हमें इसके पर क्लिक करना होगा। ये मैंने यहाँ साइज़ पर क्लिक किया, ये देखें साइज़ पर क्लिक किया, तो यहाँ पर ये कर दें कि इसको चेंज कर दें, 1000 कर रहा हूँ, और इसको कर दें 700, जो मतलब आप रखना चाहें जिनने आपको रिक्वायर है, ये देखें ये कम हो गया। इसी तरह आप बढ़ा भी सकते हैं अपने साइज़ जो रखना चाहें वो देकर, जहाँ पर क्राफ्ट का ऑप्शन है, जो आप कोई पिक डालना चाहें उसको क्राफ्ट करना चाहें वगैरह वगैरह, ये इमेज का ऑप्शन है जी, ये क्राफ्ट अभी नहीं खुल रहा क्योंकि कोई इमेज डाली ही नहीं है। ये इमेज का ऑप्शन है, अगर आप पिक्सल लैब की अपनी कोई इमेज वो करना चाहते हैं, ये देखें डालना चाहते हैं, तो ये अच्छी अच्छी पिक्स इसमें भी मौजूद हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम खुद से ही कोई पिक दें, मतलब जो फ़ोन में गैलरी में या मेमोरी कार्ड में मौजूद है, तो इसका सहारा लें, ये जो आइकन है इस फ्राम गैलरी का, इसमें ये देखें अच्छी अच्छी पिक्स आ गई, जो मतलब आपके अंदर फ़ोन के अंदर मौजूद हूँ वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे मैंने ये इसको सेलेक्ट किया और ये आ गया, क्राफ्ट करना चाहते हैं तो क्राफ्ट करें, यहाँ से रोटेट वगैरह ये चीज़ें करना चाहते हैं तो करें, मैं इसको सीधा ही रहने दे रहा हूँ। सो इसको मैंने ओके कर दिया, ये देखें ये आप आ गई,
अब वो बैकग्राउंड नहीं रहेगा जहाँ, बस यही ही बैकग्राउंड है। अब अगर आप चाहते हैं कि हम लाइव देना चाहें, मतलब यहीं से खींचे और ऐड करते हैं, तो ये वाला ऑप्शन यूज़ करें उसके लिए, ये वाला। ये कैमरा बना भी हुआ है, कैमरे से आप खींच सकते हैं कोई भी इमेज। ये देखें, ये कैमरे के ज़रिए आप कर सकते हैं सब। ओके जी, तो आज का बस यही था। अहबाब की ख्वाहिश होती है कि आखिर मैं कोई अपना कलाम भी सुना दूं, तो एक शेर पेश खिदमत है। किसी का बावफा होना, किसी का बेवफा होना, किसी का बावफा होना, किसी का बेवफा होना, इधर भी इंतहा होना, उधर भी इंतहा होना। बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल का आइकन दबाना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।